तो रिसेंटली जिमी एंडरसन ने खुद कंफर्म किया कि वो इसी समर में यानी कि जुलाई में अपना रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले हैं, जो कि उनका आखिरी टेस्ट मैच होगा अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। यानी कि वो हमें आखिरी बार खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं जुलाई में, जो कि उनका आखिरी टेस्ट मैच होने वाला है, और उसके बाद वो ऑफिशियली रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। और ये चीज उन्होंने खुद पोस्ट करके बताई है। लेकिन जब रिसेंटली स्टुअर्ट ब्रॉड ने रिटायरमेंट लिया था, उसके बाद जिमी एंडरसन से जब रिटायरमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि मेरा ऐसा कोई प्लान अभी नहीं है। लेकिन अब अचानक से उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बारे में अनाउंस किया, और उसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन है बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम। जिमी एंडरसन ने रिवील किया कि बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि हम इंग्लैंड के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और नए लड़कों को हम मौका देना चाहते हैं, और जो 2025 की ऐसी सीरीज होने वाली है उसके लिए हम एक टीम तैयार कर रहे हैं, और उस टीम में हम नए प्लेयर्स को मौका देना चाहते हैं, और इसीलिए अब आपका रिटायरमेंट लेना सही होगा। तो बेसिकली इंग्लैंड की टीम फ्यूचर के बारे में सोचना चाहती है और नए प्लेयर्स को मौका देना चाहती है, और इसीलिए उन्होंने जिमी एंडरसन को कन्विंस किया कि वो रिटायरमेंट अनाउंस किया, और इसीलिए फाइनली कंफर्म हो चुका है कि जिमी एंडरसन रिटायरमेंट लेने वाले हैं इसी समर में। जिमी एंडरसन ने इंग्लैंड के लिए टोटल 187 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 700 विकेट्स का माइलस्टोन कंप्लीट किया, जो कि पहले ऐसे फास्ट बॉलर बन चुके हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट्स लिए। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 194 ओडीआई मैचेस खेले और 269 विकेट्स लिए, जो कि इंग्लैंड के लिए अभी भी ओडीआई के टॉप विकेट टेकर है। और दो एरा के ग्रेटेस्ट बैटर यानी कि सचिन तेंदुलकर को उन्होंने 9 बार आउट किया, और विराट कोहली को उन्होंने 37 मैचेस में 10 टाइम्स आउट कर रखा है, और इसीलिए वो टेस्ट मैचेस के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर माने जाते हैं। और फिलहाल उनकी एज है 41 इयर्स की, और 41 इयर्स की एज में टेस्ट क्रिकेट खेलना और ऊपर से फास्ट बॉलर होना इतनी आसान बात नहीं है, और इसीलिए वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। तो आपको जिमी एंडरसन के रिटायरमेंट के डिसीजन के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बता दो, और ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।